हेलो दोस्तों, मैं गैंग्स आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंडी न्यूज़ पर। और आज हम इंडी न्यूज़ फैंटेसी 11 पर लेके आए हैं आपके लिए बेहतरीन मैच जो होगा विमेंस क्रिकेट की तरफ से, क्योंकि आपको पता ही होगा विमेंस क्रिकेट का एक बड़ा टूर्नामेंट विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप की शुरुआत काफ़ी जल्द होने वाला है 4 मार्च से। तो वहीं पर वार्म अप मैचेस चल रहा है और भारत का पहला वार्म अप मैच खेला गया था आज, जहाँ भारत को जीत मिला है साउथ अफ्रीका विमेन के खिलाफ मात्र 2 रन से, क्योंकि काफ़ी क्लोज मैच हुआ था। भारत ने 244 रन खड़े किए थे और वहां पे साउथ अफ्रीका केवल 242 रन ही बना पाए और 2 रन से भारत को जीत मिल गया था। तो वहीं पे जो भारत का दूसरा वार्म अप मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो कि रोमांचक होने वाला है। लेकिन वेस्ट इंडीज जो अपना पहला वार्म अप मैच है वो हारता हुआ दिखा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी काफी बड़े रनों के साथ। इसीलिए दिलचस्प रहेगा देखना कि क्या वेस्ट इंडीज पलटवार करता हुआ दिख सकता है और अच्छा प्रदर्शन करते हुए क्या जो लगातार 2 जीत के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है भारत उसको रोक सकता है, क्योंकि भारत ने अपना जो आखिरी ओडीआई मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता था। इस लिहाज से थोड़ा सा मोमेंटम भारत के पास होगा जीत का। तो वहीं पे वेस्ट इंडीज भी चाहेगा अपने कुछ खिलाड़ियों को आजमाना, क्या होता हुआ दिखेगा जब हमको भारत विमेन और वेस्ट इंडीज विमेन भिड़ते हुए दिखेंगे। और ये जो मैच है एक बार फिर से खेला जाएगा रेंगी ओरा में, और ये मैच जो रहेगा इसका मज़ा अगर आप लेना चाहते हो तो काफ़ी आधी रात से आपको मैच देखना होगा, क्योंकि मैच शुरू होगा 1 मार्च में 1:30 बजे से, क्योंकि आपको पता ही है न्यूजीलैंड में मैचेस चल रहा है। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कि इंडिया विमेन और वेस्ट इंडीज विमेन के बीच में जो दूसरा वार्म अप मैच खेला जाएगा उसमें हम क्या बेहतरीन टीम बना सकते हैं अपने फैंटेसी गेम में। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे थोड़ा सा समय ज़्यादा खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं बैटर्स की तरफ। और अगर हम बैटर के बारे में बात करते हैं तो पहला नाम तो ज़रूर होना चाहिए वहाँ पर भारत की तरफ से कप्तान का, जिनका नाम है मिथाली राज, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी है और काफ़ी अच्छा करते हुए दिख रहे हैं और हमको अच्छा करते हुए दिखते हैं ये खिलाड़ी। और अगर हम बात करते हैं पिछले कुछ मैचेस के बारे में दोस्तों, तो इनकी तरफ से 3 हाफ सेंचुरीज हमको देखने को मिला था न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज रहा था। 5 मैचों में 3 इनके नाम हाफ सेंचुरीज था और 2 मैचों में तो ये नाबाद रहे थे 54 और 66 रनों के साथ। तो इस लिहाज से आप सोच ही सकते हो कि इनका अनुभव, इनका जो बल्लेबाजी है, इनका जो प्रदर्शन है कितना बेहतर चल रहा है। तो मिथाली राज को आप जरूर रखिएगा अपने टीम में। तो वहीं पे दूसरा नाम रहेगा इस खिलाड़ी का भारत की तरफ से, जिनका नाम है स्मृति मानधाना। स्मृति मानधाना की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं ये डाउट हो सकता है कि हमको खेलते हुए नहीं दिखे दूसरा वार्म अप मैच, इसीलिए नहीं क्योंकि वो थके हुए या उनको आराम देना चाहते होंगे, लेकिन किसी दूसरी वजह से, क्योंकि जो पहला वार्म अप मैच खेला गया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसमें थोड़ा चोटिल होते हुए दिखे थे, गेंद इनके सर में लगा था जिसके चलते ये आराम फरमाते हुए दिख सकते हैं हमको दूसरे वार्म अप मैच में। ऐसे सूरत हाल में कौन से बल्लेबाज को या कौन से खिलाड़ी को आपको रखना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। लेकिन अगर ये खेलते हैं तो इनको रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पिछले मैच में 12 पे इनको जाना पड़ा था रिटायर हट होके, उसके बाद इनके नाम है 71 रनों का पारी भी। तो वहीं पर बिग बैश लीग में अपनी टीम सिडनी थंडर के लिए 114 रनों की नाबाद पारी भी खेली है। तो स्मृति मानधाना अच्छे टच में दिख रहे हैं, इसीलिए दोस्तों स्मृति मानधाना को रखना भी ज़रूरी हो जाता है अगर वो खेलते हैं। तो वहीं पे अब बात करते हैं एक और बल्लेबाज के बारे में जो रहेगा वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, जिनका नाम है शेडिन नेशन। अगर हम शेडिन नेशन की बात करते हैं तो इनका जो प्रदर्शन है कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं दिखा है। पिछले कुछ 10 मैचों में केवल इनके नाम एक ही हाफ सेंचुरी है, लेकिन वो कहते हैं ना कुछ अच्छे खिलाड़ियों को रखने के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि क्रेडिट्स भी देखना पड़ता है कितना आपको देना है एक खिलाड़ी को। इसीलिए शेडिन नेशन कुछ ज़्यादा बेहतर करते हुए नहीं दिखे हैं, लेकिन 20-35 रन आपको इसके आसपास रन देते हुए दिखेंगे। और पिछले 10 मैचेस में इनके नाम एक ही हाफ सेंचुरी रहा है नाबाद 51 रनों का। तो इस लिहाज से थोड़ा बहुत कर सकते हैं अच्छा, लेकिन ज़्यादा उम्मीद इनसे नहीं रखते हैं। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं विकेट कीपर के बारे में दोस्तों, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रहेगा। भले ही ये युवा खिलाड़ी है लेकिन काम इन्होंने काफ़ी बेहतरीन किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विकेट कीपर के बारे में हमारे फैंटेसी 11 में, तो नाम रहेगा वहाँ पे भारत की तरफ से ऋचा घोष का, जो लगातार बेहतर करते हुए दिखे हैं। और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों का ओडीआई सीरीज रहा था उसमें इनके नाम 2 रहा था हाफ सेंचुरीज, और यहाँ तक कि 65 रन की जैसी एक बेहतरीन पारी खेली थी, और हमको ऋचा घोष का भी प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो युवा खिलाड़ी है इनको तो चूज़ करना काफ़ी ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऋचा घोष ही हमको नज़र आएंगे भारत की तरफ से पहले विकेट कीपर।
पर, तो वहीं पे अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर्स के बारे में दोस्तों। और ऑलराउंडर्स में अगर हम बात करते हैं, पहला नाम तो भारत की तरफ से इस खिलाड़ी का आना चाहिए और नाम है इनका दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा की अगर हम बात करें तो क्या बेहतरीन खेलते हुए दिख रहे हैं। अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज रहा था उसमें सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने ही चटका था। इनके नाम अगर हम बात करते हैं पिछले 10 मैचों में से 8 मैचों में इन्होंने कम से कम एक विकेट जरूर चटका हुआ है। तो जो रेगुलर विकेट चटकते हैं ना उनमें नाम आता है भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा का। और इन्होंने केवल विकेट ही नहीं चटका था न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां पे इन्होंने 69 रनों की नाबाद पारी भी खेली थी। तो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है इनकी तरफ से। और आपको बताइए बल्लेबाजी भी बेहतर करते हैं ये, इसीलिए इनको रखना काफी जरूरी हो जाता है। तो वहीं पे 4 विकेट 3 विकेट ऐसे चटकते हुए दिखे थे हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो काफी बेहतरीन टच में है। इसीलिए दीप्ति शर्मा को जरूर रखिएगा, किसी भी तरह से इनको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत वहां पे कुछ फिर बदल करना पड़ेगा अपने टीम में तो आप बाकी खिलाड़ियों के साथ कीजिएगा, लेकिन दीप्ति शर्मा को जरूर रखिएगा। तो वहीं पे जो दूसरा नाम रहेगा ऑलराउंडर में वो रहेंगे हमारे वेस्ट इंडीज की तरफ से उनके कप्तान, जिनका नाम है स्टेफिन टेलर। अगर हम बात करते हैं स्टेफनी टेलर का नाम रहेगा वहाँ पे। स्टेफनी टेलर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो पिछले मैच में भले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनको हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इनकी तरफ से काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। केवल इन्होंने बल्लेबाजी नहीं, गेंदबाजी में भी सबसे ज़्यादा विकेट चटके, 3 विकेट इनके नाम रहा 51 रन देके। तो वहीं पर बल्लेबाजी में भी वेस्ट इंडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा 66 रन बनाते हुए दिखे हमको स्टेफनी टेलर। इसीलिए इस खिलाड़ी को रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और पिछले कुछ मैचों में इनके नाम शतक भी रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, इन्होंने 102 रनों की नाबाद पारी भी खेली है। तो आप सोच ही सकते हो सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी इनके कप्तान ही स्टेफनी टेलर हो जाते हैं। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं अब तीसरे ऑलराउंडर के बारे में दोस्तों, तो यहां पे नाम आएगा जरूर हेली मैथ्यूज का। हेली मैथ्यूज की भी अगर हम बात करते हैं तो ये हमको उतरते हुए दिखते हैं 5वें 6वें नंबर पर। और अगर हम बात करते हैं पिछले 5 मैचों के बारे में दोस्तों, तो इनके नाम 7 विकेट रहा है और 150 भी रहा है, और आपको 20-30 रन तो कम से कम देते हुए दिखेंगे बल्लेबाजी में। तो हेली मैथ्यूज को रखना कितना जरूरी हो जाता है इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हो। तो वहीं पर ये जो नाम था पिछले कुछ मैचों में ऐसा लग रहा था कि गुम होते हुए दिखे, लेकिन आखिरी 2 मैचेस खेला जो है इन्होंने जिस तरह से खेला है हमको पता लग गया कि इस नाम को क्यों बड़ा माना जाता है वीमेन क्रिकेट में, क्योंकि इनकी तरफ से अब वो काम भी बड़ा बढ़िया होता हुआ दिखा है। क्योंकि हमको बिग बैश लीग में, वीमेन्स बिग बैश लीग में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए पहले ये भारतीय महिला बने थे जिन्होंने टूर्नामेंट का खिताब, क्या वहाँ पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था। लेकिन उसके बाद इनका जो प्रदर्शन था न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा होता हुआ नहीं दिखा, लेकिन पिछले 2 इनिंग्स में इन्होंने काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की है। और अगर हम बात करते हैं पहला जो खेला गया था वार्म अप मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो वहाँ पे ये शतक जड़ते हुए दिखे हैं हमको 103 रन के साथ। और जो भारत ने एकमात्र मैच जीता था न्यूजीलैंड के खिलाफ वहाँ पे भी इनकी तरफ से 63 रनों की हमको पारी देखने को मिली थी। तो आखिरी वक्त में आते आते हरमनप्रीत कौर की तरफ से हमको देखने को मिल रहा है बेहतरीन प्रदर्शन। और ये खिलाड़ी हमको पहले बल्लेबाज की सूची में दिख रहा था, लेकिन अब इनको फिर से इनकी असली जगह ऑलराउंडर की सूची में दिया गया है। इसीलिए हरमनप्रीत को भी आप बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हमको मिस नहीं करना है अपने आखिरी यूनिट के बारे में, लेकिन काफ़ी बेहतरीन यूनिट ये रहने वाला है ये गेंदबाजों का यूनिट। और अगर यहाँ पे बात करते हैं पहला नाम तो फिर से एक बार होना चाहिए भारत की तरफ से ही, जिनका नाम रहेगा झूलन गोस्वामी। अगर झूलन गोस्वामी की बात करते हैं तो कितना ज़्यादा अनुभव इनके पास है, और हाल ही में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ जब जब खेले ये अच्छा करते हुए दिखे। ज़्यादा मैच नहीं खिलाया गया था इनको, यहाँ पे 5 में से 3 मैचेस खिलाया गया था, लेकिन तीनों ही मैचेस में अच्छा करते हुए दिखे थे। एक मैच में तो ये 3 विकेट चटकते हुए दिखे थे। और अभी तक भारत के लिए 195 मैचेस खेल चुके हैं जिसमें 245 विकेट भी चटक चुके हैं। और अच्छी बात क्या है कि देखिए इनका जो इकोनॉमी रहता है वो 3.5 से भी कम का रहता है, तो कितने बेहतरीन करते हुए आ रहे हैं लगातार। और हाल ही में भी सोच ही सकते हो झूलन गोस्वामी के द्वारा, इसीलिए ये खिलाड़ी गेंदबाजी में सबसे पहला होना ही चाहिए। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरे गेंदबाज के बारे में, तो रहेंगे वो
वेस्ट इंडीज की तरफ से अगर हम बात करते हैं इनके कप्तान स्टेफनी टेलर के बाद कोई खिलाड़ी जो सबसे बेहतर कर रहा है तो वो यही खिलाड़ी है जो लगातार विकेट चटकते हुए आ रहे हैं और इनका नाम है अनिशा मोहम्मद। अनिशा मोहम्मद की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो पिछले 5 मैचों में इन्होंने 9 विकेट चटका हुआ है और एक दो विकेट तो आपको देते ही रहते हैं लगातार। और जिस तरह से मैंने कहा कि स्टेफनी टेलर के बाद कोई जो खिलाड़ी है जो सबसे बेहतर कर रहा है वेस्ट इंडीज वीमेन के लिए तो वो अनिशा मोहम्मद है। तो वहीं पर जो आखिरी नाम रहेगा एक बार फिर से यहाँ पे रहने वाला है भारत की तरफ से ही और नाम रहेगा राजेश्वरी गायकवाड़। और अगर हम बात करते हैं राजेश्वरी गायकवाड़ के बारे में तो दीप्ति शर्मा, अनिशा मोहम्मद और राजेश्वरी गायकवाड़ उन खिलाड़ियों में से कुछ चंद खिलाड़ी है जो कि लगातार अच्छा करते हुए दिख रहे हैं अपनी गेंदबाजी में और लगातार विकेट चटकते हुए दिख रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं राजेश्वरी गायकवाड़ के बारे में तो इन्होंने अपने 5 मैचों में 10 विकेट चटका हुआ है और पिछला जो मैच रहा था तो इसमें तो इन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटका मात्र 46 रन दे के। तो आप सोच ही सकते हो कि राजेश्वरी गायकवाड़ का जो इंपॉर्टेंस है कितना ज़्यादा होने वाला है भारत के लिए और आपके फैंटेसी गेम के लिए भी। लेकिन दोस्तों ये तो वो नाम हो गए जो हमने अपने फैंटेसी 11 में चुना है, लेकिन आपको पता है कुछ नाम अच्छा करते हुए भी रह जाते हैं लेकिन उनके बारे में हमको चर्चा करना काफ़ी ज़रूरी है और उनको क्यों नहीं रखा गया है या फिर कौन से खिलाड़ी है जो अच्छा नाम होते हुए भी काम उनकी तरफ से नहीं दिख रहा है तो उनके बारे में बात कर लेते हैं अब। तो अगर हम बात करते हैं रिजेक्टेड प्लेयर्स के बारे में दोस्तों तो वहाँ पे पहला नाम हमने दिया है शेफाली वर्मा का। भले ही इनके नाम एक अर्धशतक रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ लेकिन अच्छा टच में नहीं दिख रहे हैं तो शेफाली वर्मा को फिलहाल के लिए आप इग्नोर करें, लेकिन शेफाली वर्मा खेलते हुए दिख सकते हैं हमको क्योंकि वार्म अप मैच भी है, ऊपर से पिछले वार्म अप मैच में हमको खेलते हुए नहीं दिखे थे इसीलिए शेफाली वर्मा यहां पे खेलते हुए दिख सकते हैं। तो इनको आप रख सकते हो अगर स्मृति मानधाना नहीं खेलते हैं, लेकिन इनसे भी बेहतरीन मैं आपको एक नाम बताऊँगा ज़रूर बाद में। लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी के बारे में तो यहाँ पे हमने जो वेस्ट इंडीज़ के ओपनर हैं उनको भी नहीं रखा है जिनका नाम है डीएन राजडोटिन, क्योंकि ये भी खिलाड़ी हमको भले ही 150 रन बनाते हुए दिखे थे लेकिन उसके बाद जो इनकी पारी रही है कुछ ज़्यादा खास नहीं रही है। और जो सबसे अधिक रन बनाया है 150 रन बनाने के बाद इन्होंने वो है 37 रन केवल, इसीलिए यहाँ पे डीएन राजडोटिन को भी हमने किया हुआ है इग्नोर। तो वहीं पे इस खिलाड़ी को हम इग्नोर नहीं करना चाहते थे लेकिन जो भारत की तरफ से हमको 7 नाम चाहिए था उसके बाद 8वां नाम आ रहा था यस्तिका भाटिया का, लेकिन आपको पता ही कि एक फैंटेसी गेम में हम केवल 7 ही खिलाड़ी रख सकते हैं एक टीम से, इसीलिए यस्तिका भाटिया का नाम वहाँ नहीं है। लेकिन एक बार फिर से अगर स्मृति मानधाना नहीं खेलते हैं तो यस्तिका भाटिया को आप रख सकते हो। और अगर हम आखिरी नाम की बात करते हैं तो वो रहेंगे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से आलिया एलिन के बारे में, क्योंकि अगर हम इन खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं तो जिस तरह से भारत के लिए हमको पूजा वस्त्रकर दिखते हैं 7वें 8वें नंबर पर खेलते हुए वैसे ही हमको दिखते हैं आलिया एलिन भी करते हुए, लेकिन इनकी तरफ से ज़्यादा हमको विकेट देखने को नहीं मिला है और रनों का योगदान भी केवल 10-15 रन का रहा है, इसीलिए इस नाम को हमने किया है इग्नोर वेस्ट इंडीज़ वीमेन की तरफ से। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता रहा था लगातार कि एक नाम रहेगा जो कि आप रख सकते हो जरूर वेस्ट इंडीज की तरफ से, वो रहेंगे इनके विकेट कीपर जिनका नाम है काइसिया नाइट। तो इस खिलाड़ी को आप सोच सकते हो अगर आप रखना चाहते हो अपनी टीम में, लेकिन दोस्तों आपको रखना पड़ता है अच्छा एक उपकप्तान और कप्तान, क्योंकि यही खिलाड़ी वो होते हैं जो आपको सबसे ज्यादा अंक देते हैं 1.5 गुना और 2 गुना। इसीलिए अगर हम बात करते हैं आज के इस फैंटेसी 11 में कप्तान के बारे में और उपकप्तान के बारे में तो हमारे तरफ से उपकप्तान वहां पर रहने वाले हैं जरूर स्टेफनी टेलर, जो कि वेस्ट इंडीज़ के रहेंगे कप्तान, साथ ही साथ आपके भी उपकप्तान होने चाहिए ज़रूर। तो वहीं पे अगर जो कप्तान रहेंगे वो भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ही होने चाहिए, क्योंकि गेंदबाजी में धमाल करते हुए दिख रहे हैं और रन भी बनाते हुए दिख रहे हैं, वो भी अच्छा अर्धशतक की पारी खेलते हुए, इसीलिए दीप्ति शर्मा हमारे कप्तान रहेंगे और स्टेफनी टेलर रहेंगे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से उपकप्तान। तो वहीं पर अगर कोई दूसरा नाम देना होगा आपको तो मुझको लगता है कि दूसरे नाम की तरफ आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि यही दो वो खिलाड़ी जो सबसे बेहतरीन करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत आप वहाँ पे ऋचा घोष या फिर मिथाली राज के ऊपर सोच सकते हो, लेकिन आप उनको रखिएगा अपने उपकप्तान, लेकिन कप्तान आपको दीप्ति शर्मा को ही रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारी तरफ से आज के फैंटेसी 11 में 11 नाम, साथ ही साथ कप्तान उपकप्तान और कौन से विकल्प आपके लिए हो सकते हैं। जाने का समय अब आ चुका है, लेकिन आपको पता ही है जाने से पहले आपको वो हम
11 नाम फिर से बता देते हैं हमारे फैंटेसी 11 का, ताकि आपको बिल्कुल याद रहे वीडियो खत्म होने से पहले। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों आज के फैंटेसी 11 में हमारे बैटर्स के बारे में, तो वहां पे हमने रखा हुआ है मिथाली राज को, स्मृति मानधाना को और शैडिन नेशन को रखा हुआ है। तो वहीं पे अगर हम बात करते हैं विकेट कीपर के बारे में दोस्तों, तो केवल एक ही नाम हो सकता है और नाम है वहाँ पे ऋचा घोष का। तो वहीं पे ऑलराउंडर्स में हमने 4 खिलाड़ियों को रखा है, नाम रहेगा उसमें दीप्ति शर्मा का, स्टेफनी टेलर का, हेली मैथ्यूज का और रहेगा हरमनप्रीत कौर का, जो कमबैक करते हुए दिखे हैं। तो वहीं पे गेंदबाजों में 3 नाम दिया है और नाम सबसे ऊपर सबसे अनुभवी खिलाड़ी झूलन गोस्वामी का रहेगा, उसके बाद वेस्ट इंडीज के अनिशा मोहम्मद और आखिरी में राजेश्वरी गायकवाड रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारी तरफ से फैंटेसी 11 आज का, लेकिन क्या लगता है आपको कौन से वो नाम है जो मिसिंग है आपकी तरफ से, और कौन से वो कप्तान रहेंगे और उपकप्तान रहेंगे आपके फैंटेसी 11 में, इस गेम को लेकर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ जाने से पहले वीडियो को करें लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा उस बेल आइकन के साथ, क्योंकि लगातार ऐसे ही बेहतरीन 11 नामों के साथ आएंगे, जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल के लिए मैं गैंग्स लेता हूं आपसे विदा। गुड बाय एंड टेक केयर।